पंडित जी, कब से माता का मंदिर यहाँ पर है और क्या माता की व्याख्या की जाए, कैसे किस रूप में की जाए? जय माता। हाँ, मनसा देवी जो है दुर्गा माता है, सबसे मनोकामना पूरी करती है, इसलिए इसका नाम मनसा देवी हुआ है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक दैत्य ऋषि मुनियों और देवी देवताओं पर अत्याचार किया करता था, उसी के अत्याचार को महादेव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुर्गा माता के रूप में एक को उत्पन्न किया, वही मनसा के रूप में आपकी मनोकामना पूरी करती है और सबका गर्व पूरी करती है। नवरात्रों में कहाँ कहाँ से भक्त और श्रद्धालु जो है वो मनसा देवी मंदिर आते हैं? ऐसा नवरात्रों में तो सभी जगह से भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं और हमारे जो लोकल भक्त हैं वो भी आते हैं और बाकी जितने भी हमारे वो हैं माता के भक्त, माता के सभी भक्त हैं। माता के भक्त जो है विदेशों में भी है, तो विदेशों से भी भक्त आते हैं, लेकिन कोरोना के वजह से थोड़ा विदेशी भक्त कम आ रहे हैं। जी, कोरोना काल की बात करें तो पिछले 2 साल से इतने भक्त नहीं आ पाए तादाद में, अब कैसा लग रहा है, कैसी चहल पहल है अगर बात की जाए? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पहले नवरात्र चलते थे, वही चहल पहल है और वही लोगों के अंदर उत्साह है और हमारे जो लोकल भक्त हैं वो भी काफ़ी तादाद में और काफ़ी संख्या में माता जी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। माता के नवरात्र जो है वो चालू हो रखे हैं, इस समय जारी है, आज सप्तमी है और देश विदेश से श्रद्धालु भी मनसा देवी मंदिर में पधारे हुए हैं। सीधा बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर हम इस समय मौजूद हैं, जानते हैं इंग्लिश में बातचीत होगी हमारी। व्हाट्स योर नेम? Where are you from? India. Okay, so you are from India or USA. This is the first time visiting India or you came here? This is your family. In general, this is your family. Haridwar. So what do you think about Uttarakhand? How do you know this? When you come here, what do you think? How this place Uttarakhand and how is it? My last question, what do you think about Sanatan Dharma? Will you go in hilly area or you will go from here? From here we can go to Rishikesh, then we can go to Vrindavan, then we can go to Vrindavan. Thank you. तो आपने सुना इंग्लिश में उन्होंने बताया कि भारत की यात्रा पर वो इस समय है और हरिद्वार के मनसा देवी पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। सनातन धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि पीस, शांति उनको बहुत ज़्यादा लगती है, आज़ादी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि दुनिया का जो सनातन धर्म है काफ़ी विख्यात है, दूर दराज के देशों तक ये फैला हुआ है, काफ़ी जो विदेशी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इसलिए भी हैं क्योंकि शिव जी से और जो कृष्ण जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लोग उनसे होते हैं, उनकी प्रेरणा लेते हैं, उनसे शक्ति मिलती है। तो ग्राउंड जीरो पर मनसा देवी पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं नवरात्रों पे। खास कवरेज के लिए जुड़े रहते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
करते हैं।